नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, पर सबसे पहले ये वीडियो देखिए। दो पुलिसकर्मियों से मारपीट का वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। वीडियो में पुलिसकर्मियों के साथ जो होता दिख रहा है उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल बीते दिन लखनऊ के चिनहट इलाके में पुलिसकर्मी कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहे थे। इस दौरान सब्जी की एक दुकान खुली देखकर दो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और दुकानदार से दुकान बंद करने को कहा। बंद करने की बात सुनकर सब्जी विक्रेता पुलिसकर्मियों पर वसूली का आरोप लगाकर बहस करने लगा। इसके बाद कहा सुनी इतनी बढ़ी कि दुकानदार ने बांस की बल्ली से दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, दुकानदार ने तराजू और बाट से भी पुलिसकर्मियों पर वार किए। दुकानदार के हमले में वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी का सर फट गया। मतलब पुलिसकर्मी अगर सरकारी गाइडलाइंस का पालन करवा रहे हैं तो क्या उनका सर फोड़ दिया जाएगा। फिलहाल पुलिसकर्मियों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपी दुकानदार घटना के बाद मौके से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। बात लखनऊ की ही हो रही है तो इन तस्वीरों पर भी नजर डालिए, जिसमें एक फल विक्रेता पुलिस वाले से अपना तराजू और बांट मांगने की विनती करता दिख रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ के 1090 चौराहे की हैं। इस चौराहे के पास फलों का ठेला लगाए एक शख्स से पुलिस वाले उसका तराजू और बांट लेकर चले गए। तस्वीरें यहाँ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए इलाके के थाना इंचार्ज उस फल वाले के पास पहुँचे और उसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू गिफ्ट किया। साथ ही दरोगा की तराजू छीनने वाली हरकत के लिए माफ़ी भी मांगी। ये दो चेहरे हैं पुलिस के। जिसने पुलिस वालों के साथ मारपीट की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी अधिकार नहीं है कि जिनके ऊपर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी है उनके साथ इस तरह का बर्ताव करें। इस तरह के मामले एक नज़ीर की तरह समाज के सामने पेश किए जाने चाहिए। साथ ही जिस पुलिसकर्मी ने फल विक्रेता के साथ बदसलूकी की उसके खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोग खाकी का खौफ ना खाएं। खाकी का खौफ उनको होना चाहिए जो गलत करें, आम नागरिकों को नहीं। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें, इन गरीब परिवारों का सहारा बने। ग्राउंड रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात बिहार की। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत का जायजा ले रही हमारी टीम सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर कस्बे के एक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची। यहाँ देखकर जो भी हमें दिखा हमारी टीम कुछ पलों के लिए चौंक गई। क्यों चौंकी, आप तस्वीरें देखिए, समझ आ जाएगा। वीडियो में जो दुकान नुमा जगहें दिख रही हैं असल में वो यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है। आपको यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि इन शटर के पीछे लोगों का इलाज होता है, यहाँ तक कि महिलाओं के प्रसव तक किए जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र की ये शटर व्यवस्था यहाँ करीब 13 वर्षों से चल रही है। इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हमारी टीम को कई बातें ऐसी भी पता चली जिसे यहाँ के माननीय तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। ये अद्भुत स्वास्थ्य केंद्र है, ये शटर लगा हुआ दिख रहा है। ये ऐसे ही शटर उठता है, शटर बंद होता है, ये दुकानों की शक्ल में ये स्वास्थ्य केंद्र चलता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाजार समिति की बिल्डिंग हुआ करती थी और 2008 से ये यहीं पर इसी तरीके से टेम्प्रोरी इंतज़ाम किया गया और वही टेम्प्रोरी इंतज़ाम फ़िलहाल अब 13 साल हो चुके और ये परमानेंट की शक्ल ले चुका है। तो यही शटर वगैरह जो देख रहे हैं वो वही दुकान जो थे बाज़ार समिति के टाइम के, कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह था, तमाम चीज़ें, तो वो अभी भी इसी तरीके से ये सिस्टम चल रहा है। कोई जगह नहीं है प्रॉपर, तो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन होता है तो यहीं पर लोग फिर जगह खाली करवाते हैं, इसको बाहर करवाते हैं और 32-38 के लगभग में भी फैमिली प्लानिंग का यहाँ ऑपरेशन हो। आपका नाम क्या है? सीमा चौरसिया। आप क्या करती हैं? हम यहाँ आरकेएस के मेंबर में थोड़ा बहुत सोशल वर्क का काम करते हैं। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जब यहाँ पे फैमिली प्लानिंग वगैरह का ऑपरेशन होता है, कामकाज चलता है, लेकिन इसी जगह में चलता है। अच्छा, इसी में मजबूरियों में विवशता में थोड़ी सी जगह निकाल कर यहाँ से आप लोग सामान वगैरह बाहर निकालते हैं? पहले तो इसी में करवाते थे, कोल्ड स्टोरेज वाले में, लेकिन अभी तो ये सब पहले नहीं था ना। हाँ। अब डीप फ्रीजर ये सब ज्यादा सामान आ गया तो फिर परेशानी होने लगी। अच्छा, तो इसमें करवा लेते हैं इसको हटा के। ना पहले आप जब ये डीप फ्रीजर, ये कोविड वाली वैक्सीन रखी हुई है ना,
इसमें कोविड वैक्सीन रखी है और बाकी और तरीके की जो दवाइयां वो कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए पहले तो इसी यही बेड पे करवाते थे, इसी को यहाँ उठा के लाते थे यहीं पे। हाँ, और हम लोग सबको मिलकर कोऑपरेट लाइट वेट का व्यवस्था कर देते थे। सो टोटल मेरा किया हुआ है, इलेक्ट्रिक वगैरह जो है। इलेक्ट्रिक का काम आपने करवाया है? हाँ, अपनी जेब से। अभी मॉडिफाई हुआ है इसका फिर से न्यू। हाँ, जनरेटर वगैरह का पूरा। तो पहले जब लगवाया था वो आपने अपनी जेब से लगवाया था? क्या हुआ, इतना सा खर्च के लिए कोई थोड़ी ना, सरकार की तरफ से फंड आता है ना। नहीं, तभी अचानक में आठवीं शुरुआत हो गया था ना उस टाइम, तो फिर होने का तो होता तो फिर धीरे 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 फिर तो सब व्यवस्थित हो। धीरे धीरे ऐसा नहीं होता, प्रॉपर तरीका ये होता है कि स्ट्रक्चर खड़ा होता है, सारी सुविधाएं उसमें दी जाती हैं और उसके बाद चीज़ें, कम से कम स्वास्थ्य केंद्र जैसी चीज़ें ऐसे ही शुरू होती है। लेकिन 2008 में ये लोग बता रहे हैं कि एकाएक मांग उठी थी क्या कि यहाँ पे बनाया जाना चाहिए? ब्लॉक तो नया बना लिया, प्रखंड। अच्छा, नया बना, तो फिर प्रखंड स्तरीय अस्पताल की जरूरत थी। ठीक है, तो उन्होंने यहीं पे शिफ्ट कर दिया। क्यों तब से लेकर अपनी जमीन नहीं मिली सरकार को कहीं पर जहाँ पे खड़ा किया जा सके? नहीं मिल पाई जमीन, जो है भी तो उसमें ओके नहीं हो रहा है, हो पा रहा है। कौन सी जमीन है? एक पीछे में है, बिहार सरकार की जमीन है, इलाहाबाद बिहार सरकार की। तो एक पोखर नुमा है, लेकिन उस पोखर का पानी इतना गंदा है कि वह इस मार्केट के लिए वो महामारी का रूप कभी भी ले सकता है। उसको भरा जाना इस मार्केट के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। मतलब हर एक ऑपरेशन अपने साथ पहले आधे घंटे की जो ये शिफ्टिंग है, आधा एक घंटा वो शिफ्ट विफ्ट करने में चाहिए और उसके बाद आप लोग शटर वटर पहले से तो नॉलेज में रहता है, तो स्टाफ लोग तो सब कर लेते हैं, फिर प्रभारी सर आते हैं। और आप अपने घर में भी मरीजों को? हाँ, अभी फिलहाल बहुत तरह का कोऑपरेट होता है स्थानीय नागरिक कर देते। अगर किसी को दूध पानी कोई चीज़ का जरूरत होता है, जहाँ तक कोई नहीं, अगर इतने बुरे जगह को आप जो भी मानिए उसमें उतने अच्छे अच्छे डॉक्टर उतने अच्छे से ऑपरेशन कर देते हैं, यहाँ के लोगों का भला हो जाता तो बहुत ही गर्व की बात है। आप लोग बता रहे थे कि डॉक्टर तो काम करना चाहते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए काम नहीं कर पाते। जी जी, जगह यहाँ बहुत छोटा जगह है इसलिए जगह, चूता भी है, सभी बारिश के मौसम में चूने लगता है और सब इसमें पानी जमा हो जाता है, ऐसा पूरे जमा हो जाता है। बारिश होने की जो बारिश थी उसका पूरे इसमें यहाँ तक बारिश आ पानी भरा जी। पिछले साल झंडोत्तोलन में इस समय पूरा भी मिट्टी थोड़ा डलवाए तो थोड़ा कम है, नहीं तो बहुत और ज्यादा गड्ढा था। अच्छा, पिछले साल 15 अगस्त के आसपास मिट्टी डली थी, तो अभी ये गनीमत है, पहले से अच्छी स्थिति आप बता रहे हैं, पहले और भी बुरा हाल था। कितने डॉक्टर है यहाँ पर? तीन MBBS है, आयुष है, तीनों चारों आते हैं, नियमित तौर पर आते हैं, कोई फील्ड में रहते हैं, कोई यहाँ OPD करते हैं। कितने ताज्जुब की बात है, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर आकर लोगों का इलाज करना चाहते हैं लेकिन केंद्र की हालत ऐसी कि मरीज भी आने से कतराए। बिहार के हर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का कमोबेश यही हाल है। फिलहाल बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में आ रही बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आई कि सहरसा के बनगांव में पिछले कई सालों से बंद पड़ा एक स्वास्थ्य केंद्र फिर से चालू हो गया। सहरसा का बनगांव बिहार का सबसे बड़ा गांव है। यहां के स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन कई वर्षों से बंद पड़े इस स्वास्थ्य केंद्र का इस्तेमाल लोग भूसा रखने के लिए कर रहे थे। कुछ समय पहले यहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया पर इस स्वास्थ्य केंद्र को खोलने के लिए मुहिम चलाई थी, जिसके बाद अब ये खबरें आईं कि फिर से केंद्र शुरू हो गया। बिहार के स्वास्थ्य केंद्र को लेकर आई इस अच्छी खबर को सुनकर हमारी टीम बनगांव के इस केंद्र में पहुंची, लेकिन यहां पहुंचकर जो पता चला वो हकीकत से कोसों दूर है, हकीकत जो बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इसके भीतर भूसा जमा था, हम इस बात पर थे, तो फिर युवाओं ने अपील निकाली, हैशटैग चला, फिर हमने पढ़ा कि उसका एक पॉजिटिव असर हुआ है, ये खुल चुका है, तो हमने सोचा कि चलो लोगों को बताएं कि जब आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक होते हैं और आवाज़ उठाते हैं तो उसका असर हो सकता है, ये एक उम्मीद की रोशनी टाइप था। लेकिन जब हम यहाँ आए और बातचीत की तो पता चला कि ये ताला तो खुला था, ANM वगैरह भी आई थी, बट एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद क्या हुआ और वो पूरा कैंपेन कैसे शुरू हुआ, हम इस बारे में यहाँ के लोग हैं, यही बनगांव के निवासी हैं ये, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रोशन हुआ मेरा नाम। बनगांव जी, बनगांव प्रॉपर। रोशन, गमछा ही तो बांध लीजिए कम से कम। हाँ, तो
ये कभी जब 2007 में उद्घाटन हुआ उसके बाद कभी चलता था? जी नहीं, उसके बाद तो कभी आज तक नहीं चली। 2007 जब तक संजीव झा जो तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने जब इनका उद्घाटन किया, जब तक वो विधायक थे तब ये चल रही थी, लेकिन उनके बाद से ये करीब 2010 से आज तक 2021 तक ये कभी नहीं चली है। 2000 मतलब तकरीबन 3 साल चला और उसके बाद बंद हो गया, ठप हो गया। और फिर हमने देखा कि वो तस्वीरें वायरल होने लगी जब इसके अंदर भूसा रखी वाली तस्वीर थी, तो वो किसने डाली थी, आप ही में से किसी ने डाली थी क्या? भूसा जो रखा हुआ था वो मुख्य रूप से इसलिए रखा हुआ था क्योंकि यहाँ आस पास घर है लोगों के और ये नशाखोरी का अड्डा बन गया था, उससे बचाने के लिए जो कुछ गंदे प्रकृति के युवा है वहाँ पे, वो आके यहाँ नशा करते थे, उससे बचाने के लिए वहाँ भूसा रखा गया था ग्रामीण के द्वारा ही। अच्छा। ताकि उनके यहाँ आके वो नशा ना करे और उनके घर में 2-4 बेटियाँ हैं, वो हो हल्ला ना करे, इसलिए यहाँ भूसा रखा हुआ था। तो ग्रामीण ने ही भूसा रखा था तो उस नशावाजों से बचाने के लिए उसको खास कर। अच्छा, लेकिन फिर इससे जुड़ी हुई तस्वीर कोरोना के टाइम में हमने सोशल मीडिया पर, खासतौर पर इस मिथिला रीजन में, हमने एक बड़े स्तर का कैंपेन देखा शुरू होते हुए, जब ट्विटर वगैरह पर लोग हैशटैग चला रहे थे अपने अपने इलाकों के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी तस्वीरें और उनकी बदहाली बयां करते हुए अपील कर रहे थे कि इसे शुरू किया जाए दोबारा। तो उसी सिलसिले में ये कैंपेन यहाँ का भी शुरू हुआ? जी बिल्कुल, उसी सिलसिले में ये कैंपेन शुरू हुआ है और इसको मात्र एक विडंबना ही कहिए कि बिहार के इतने सबसे बड़े गांव होने के बावजूद और 2 स्वास्थ्य केंद्रों के होने के बावजूद एक भी सुचारू रूप से कार्यरत नहीं है। तो पूरी बिहार में ही बदहाली का आलम है। मैं बैंक में कार्यरत हूँ, मैंने अपना वैक्सीनेशन 12 तारीख को करवाया था और उस वैक्सीनेशन का फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत मुझे दिया गया था 12 मई को। अच्छा, 12 मई। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स के तहत मुझे वैक्सीन दिया गया था लेकिन मुझे अभी तक उसका कोई रिसिप्ट नहीं मिला है, ना मुझे मेरे पास कोई मैसेज आया है। आपके गांव में उत्पल क्या हालत है कोविड की? हाँ, मेरे यहाँ कोविड काल बहुत अच्छा है। जब आपको कोरोना या बुखार वगैरह होता है तो हमारी एक मेडिकल स्टोर तो बहुत सारा है, एक मेडिकल स्टोर है जिसमें 1100 रुपये आप दीजिए और आपका कोरोना या बुखार खत्म हो जाता है। खत्म हो जाएगा? यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, उसमें आपको दाखिल करवा दिया जाएगा, आप वहाँ से बच के नहीं आएंगे। हमारे यहाँ ये कंडीशन है, नहीं बच के वहाँ से कोई नहीं आता। सबसे बड़ी खूबी ये है कि वहाँ से कोई रिटर्न नहीं आता है, वो लाइसेंसी है, वहाँ पे जाने 10 दिन रखेगा ऑक्सीजन पे जब तक, और आपको पता नहीं है बिल मेरा कितना आ रहा है। मरने के बाद आपको बोलेगा 1.5 लाख का बिल है, तब आप लाश ले जाइए और सहरसा मर जाएगा। निजी अस्पताल का ऐसा हाल है, मैं आज से कुछ एक डेढ़ महीना पहले अपने नानी माँ को सहरसा लेके गया, बहुत परेशान हो गया था क्योंकि करीब करीब 65-66 साल उनका उम्र है, करीब इतना परेशान किया, मैं सबको फ़ोन किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था करो। मैं उसको सबसे पहले एक निजी अस्पताल ले गया सहरसा में, वहाँ उनका कोविड जाँच हुआ, सब जाँच हुआ, बोली तुम्हारी नानी पॉजिटिव है, उनको एडमिट रखा गया। और एक मेरे पास वीडियो है, ऐसा वीडियो है, ना ग्लव्स, ना मास्क, ना PPE की, और नानी का मेरा ऐसा करके वो पल्स चेक कर रहे हैं। How can it possible? यदि कोविड पेशेंट है तो डायरेक्ट हाथ छूकर वो कैसे टेस्ट कर सकते हैं? कितने अफसोस की बात है, यहाँ बना स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हो पा रहा और गांव वाले मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। बिहार के सहरसा से झकझोर देने वाला मामला और भी एक सामने आया है। यहाँ के गोदरामा गाँव में एक परिवार को अपने बेटे का शव अपने घर के आंगन में दफन करना पड़ा और परिवार की इसके पीछे मजबूरी क्या थी, इस रिपोर्ट से देखिए समझिए। यहाँ कुछ रोज़ पहले एक 28 साल के बच्चे की, लड़के की मृत्यु हुई कोविड से। दाह संस्कार करने के लिए उनको जो माता पिता हैं उनको कोई सहायता नहीं मिली, न ग्रामीणों की न प्रशासन के स्तर पर। फिर उन्होंने अपने ही घर के पीछे आंगन, पीछे पीछे का हिस्सा है आंगन का, अब उसे खैर ब्लॉक कर दिया गया है, वो आंगन ही था, वहाँ पर उन्होंने उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया, उसे दफना दिया। तो हम यही प्रकरण आपको बताने के लिए विस्तार से इनके साथ हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश कामत। कैलाश कामत जी, आपका नाम, आप ये आपकी पत्नी है? पत्नी है। पौड़ी देवी। पौड़ी देवी, आपके बच्चे का नाम क्या था? अवनीश कामत। अवनीश कामत, अच्छा। पिक्चर भी है जो हम खींच के रखे हैं, और जिंदा वाला भी और मृत्यु वाला भी, वर्तमान में वो पिक्चर भी ले सकते हैं, आप मैं दिखा सकता हूँ।
हम धीरे धीरे, हम अभी देखेंगे, तस्वीर भी देखेंगे। पौड़ी जी हिंदी समझती हैं? हिंदी आ भैया? हिंदी नहीं आ भैया, कोनो बात नहीं। कहिया मन खराब भेल बेटा के? बेटा का 4 साल ऑपरेशन करे लिए रहे। अभी के ऑपरेशन रहे? पीठ ए तो टीबी? ना ना ना, अच्छा अपेंडिक्स के ऑपरेशन। देखा जा सर, ये जिंदा का है, ये मृत्यु का है। इनको जब बीमारी पड़े तो इनको मैं ले गया पहले प्राइवेट में। कब मतलब कब बीमार पड़े? बीमार इधर फिलहाल में ये लड़का रहता था इलाहाबाद में, और यहाँ घर पर आया है। ये 7 तारीख को मैं इनको सरकारी हॉस्पिटल में देखा है, जिसका पुर्जा मेरे पास में। 7 मई को? जी सर, अगला महीना में। कौन से सर? अगला महीना मतलब जो बीत गया 7 अप्रैल को। कल के ले जाओ घर, 14 दिना घरे में रखो, 7वां दिन फेन एता हॉस्पिटल ले कर आना। 7वां दिन गलिए तब मुँह से खून निकाल दल के हमारे बेटा ओथर लाल। कल के ले जाओ सहरसा, कल एम्बुलेंस दीजिए ना सर। कल के अपन गाड़ी से ले जाओ, अपना तो देखा जाए, देखा जाए सर। अपना गाड़ी से नहीं गलिए तो ये ये पहलू का रिपोर्ट है सरकारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बिहार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवर्षा सहरसा, ये ब्लॉक वाला में लेके गए थे अस्पताल में। हाँ, सरकारी अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल तीन दिन ले गए थे। जी जी, एक मिनट, अभी ये रेफर के लग बाद में 2 दिन की बात ही। जी, ये पहला इन्होंने बताया, ये पहला है और ये तारीख पड़ी हुई है। नहीं, ये अप्रैल की बात नहीं है, ये मई की ही बात है। 7/5/2021 को 25 साल के अमरीश कामत को, जो पुत्र हैं कैलाश कामत के और पौड़ी देवी के, उनको गोद्रामा में रहते हैं, उनको ले जाया गया यहाँ पर सोनवर्षा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC। वहाँ पर हाँ, ये क्या लिखा है, कोविड लेटेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ प्लस का निशान बना हुआ है और आगे VE लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव लिखा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव उसको बता दिया, फिर आपसे कहा वहाँ से, वहाँ से 7 दिन यहाँ इसमें इलाज चला, इसी की दवाई से, इसी का दवाई आपको दे दिया। आप उनको घर लेके आ गए? 7 दिन इनकी इलाज चला। अच्छा, तो आप जब उनको यहाँ से गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल लेकर गए सरकारी, तो किस चीज पर लेकर गए थे? यहाँ से टेम्पो पर ले गए, टेम्पो पर। लेकिन सहरसा जाने का आपके पास साधन नहीं था? वो भी टेम्पो वाला को हम बहुत बात किए कि हमको सहरसा तक पहुंचा दीजिए। वहाँ हॉस्पिटल में भी, डॉक्टर के सामने भी उनसे बहुत अनुरोध किया, वो कहा कि नहीं, मेरी गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती। और ये बातें डॉक्टर के सामने हुई? हाँ, कि टेम्पो वाला इनकार कर रहा है? डॉक्टर के सामने ही हुई। डॉक्टर ये भी बोला कि जो आपको प्राइवेट में ले जाइए। डॉक्टर वहाँ ये बोलते रह गया कि जो आप प्राइवेट में ले जाइए, कि आप अपना एम्बुलेंस खुद कीजिए। हाँ, नहीं तो अपना एम्बुलेंस खुद कीजिए, और नहीं तो इंतजार कीजिए, अपना गाड़ी खुद कीजिए। डॉक्टर हमको वहाँ बोला, जो वहाँ काउंटर पर रहता है, जो ये लिखे हैं अपने हैंडराइटिंग से ये पुर्जा, वो खुद मेरे टेम्पो वाला के सामने भी बोला। डॉक्टर सुदीन कुमार सुमन जी, इनके सामने बातचीत हुई, टेम्पो वाला मना करता, इनकार करता रहा। इन्होंने कहा क्योंकि एम्बुलेंस की सुविधा आपने ढूंढने की कोशिश की थी, नहीं मिला था ना, सरकारी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं था, गाड़ी भाड़ा क्या करते। तो उन्होंने टेम्पो वाले से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन टेम्पो वाला राज़ी नहीं हुआ इतनी दूर जाने के लिए। तो आप, ये डॉक्टर सुदीन कुमार सुमन के सामने की बात है। हाँ, हाँ। कि आप वापस लेके आ गए? वापस लेके मैं आ गया। आपके बेटे के खांसी से, उनके सामने, उनके मुंह से खून निकला, उनके सामने मेरी बच्चा का बहुत स्थिति गंभीर हो चुका था, और उसके बाद उन्होंने देखा कि सुविधा वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, सुविधा जुटा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बहुत हाथ पैर मारने के बाद मजबूर होकर वो अपने बेटे को वापस लेकर गांव जा रहे हैं, जबकि उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, और ये सब देखते हुए, ये सब आंखों के सामने हो रहा था, और फिर भी वो बच्चा वापस ले आया गया। तो यहाँ तो लाश उठाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो मेरा एक साला और एक हम वहाँ गड्ढा खूने वहीं रोड के किनारे में, लेकिन वहाँ हाल फिलहाल में कोई ज़मीन हुआ लिखवा लिया, ये क्या किया उन्होंने रुकवा दिया। तो हमको आप तीन आदमी है ये थे, उसके बाद में जैसे कि अपने एक नाही में दफनाए, उसके बाद में दफनाने के बाद में 1 दिन के बाद जैसे कि मतलब हम लोग को सारे परिवार को चेक हुआ,
जांच हुआ, ये मुखिया थ्रू भेजा गया, आया जांच किया सब, हमको कहा ठीक आप स्वतंत्र हैं। आप लोग नेगेटिव आ गए? जी नेगेटिव। रिपोर्ट कब आया? रिपोर्ट जब हम अपने लड़का को दफनाने के बाद दो दिन के बाद मेरा रिपोर्ट आ गया। यहीं पर ये जो मिट्टी का टीला है यही उसकी कब्र है, यही उसका अंतिम संस्कार हुआ। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ कौन सी है? हमारे हाथ में ये दो पर्चियां हैं, ये 7/5/2021 को, पता नहीं इसमें रिपोर्ट में ये नहीं दर्ज है कि उसमें लेवल कितना था, परसेंटेज कितना था कोविड का, कोविड पॉजिटिव लिखा है, वो सी टी वैल्यू हाँ सी टी वैल्यू कितनी थी हमें नहीं पता, पर उसकी स्थिति गंभीर थी ये घर वाले बता रहे हैं। उसके बावजूद उसको होम आइसोलेशन में रहने के लिए भेजा गया। 7वें दिन दवाई ख़त्म होने पर वो गए, उसकी स्थिति स्पष्ट था डॉक्टर के सामने, उसको खून की उल्टी हुई ये लोग बता रहे हैं, और उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्हें ये भी दिख रहा था कि एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, उन्हें ये भी पता चल रहा था, सामने हो रहा था कि ये किसी प्राइवेट गाड़ी का इंतज़ाम नहीं कर पाए हैं, फिर भी ये सब कुछ आंखों के आगे होते रहने दिया गया। और सुविधाओं के अभाव में, सरकारी सहायता के अभाव में, और वो सहायता कोई वो नहीं, उपकार करके नहीं दिया जाना था, अधिकार था कि एम्बुलेंस होता और वो पहुंचाता बड़े अस्पताल सहरसा के अस्पताल में, और उसे मिलता इलाज तो शायद वो बच जाता। ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात राजस्थान के जैसलमेर शहर के ज़िला अस्पताल की, जहां करीब 400 गांव के लोग इलाज कराने आते हैं। इस अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देख कर अंदाज़ा हो जाएगा कि लापरवाही की हद क्या होती है। इस अस्पताल में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तो है लेकिन धूल फांकते हुए ऑक्सीजन बेड भी हैं लेकिन कबाड़ से लदे हुए, और ये सिर्फ बानगी है। आगे रिपोर्ट में हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं वो अशोक गहलोत सरकार के स्वास्थ्य पर किए जा रहे दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। ये जैसलमेर अस्पताल जो कि जिला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, उसका क्रिटिकल केयर यूनिट है। आपको यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये हकीकत है, यहाँ की वो अस्पताल जो आसपास के सैकड़ों गाँव को केटर करता है, यहाँ पे इलाज चलता है, उसका आलम क्रिटिकल केयर यूनिट का ये है कि डिफाउंट पड़ा है, और यहाँ पे बेड की हालत ये है कि उसमें कबाड़ रखा गया है, और जो वेंटिलेटर की जरूरत, मशीन की जरूरत क्रिटिकल केयर यूनिट में होती है, वो कोरोना काल में, पैंडेमिक के टाइम में इस तरह से आप देखिए सारी बंद पड़ी है, एक कबाड़ खाने की तरह क्रिटिकल केयर यूनिट को रखा गया है। ये तब है जब कोरोना काल में आईसीयू की बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ पर आप देखिए सारी सामग्री पड़ी हुई है, मशीनों को इस तरह से ढक के रखा गया है, और तमाम महंगी इक्विपमेंट इस तरह से ठप पड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल पहली लहर में यहाँ पे लगभग 17 वेंटिलेटर जैसलमेर के अस्पताल को मुहैया कराए गए थे, उसमें से 13 यहीं पे लगाए गए, लेकिन कोई भी वेंटिलेटर ऑपरेशनल नहीं है। ये आलम है, यहाँ पे तोड़ फोड़ का काम हो रहा है। भैया जी देख रहे हैं कब से शुरू किया भैया, यही हालत है यहाँ पे? नहीं, यहाँ जी टीम तो बड़े हुए है, और देखिए आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चार बेड्स होते तो एक्टिव होते, क्योंकि इतने समय से ये महामारी चल रही है तो कम से कम 4 पेशेंट्स को यहाँ पे उनका इलाज किया जा सकता, क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स को वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखा जा सकता, पर ये लापरवाही कह लीजिए प्रशासन की, या प्रशासन की बेरुखी कह लीजिए, कि इतने खस्ता हाल में, इतने बदहाली में ये क्रिटिकल केयर यूनिट रखा है, जो शर्मसार करता है सरकार के उन दावों को या उनकी पोल खोलता है कि राजस्थान में जो कोविड की लड़ाई है बहुत चुस्ती से लड़ी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दावों और हकीकत में जमीन और आसमान का फर्क है। जाते जाते बात जडेजा राजवंश के शासक और भूतपूर्व कच्छ राज्य के महाराज प्रगमाल जी तृतीय की। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रगमाल जी तृतीय का शुक्रवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य नागरिकों ने उनके निधन पर शोक जताया।
प्रगमाल जी तृतीय गुजरात के सबसे बड़े ज़िले कच्छ को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की वकालत करते थे। साल 1948 में कच्छ के तत्कालीन शासक ने भारतीय संघ में विलय कर लिया था। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सावधानी को लॉक रखिएगा, उसमें ढीले मत पड़िएगा। शुक्रिया।